हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। मैंने एक बार कहा था मैं एक लिटिल एंजल को आप सबसे इंट्रोड्यूस करूंगी। जी हाँ, वो लिटिल एंजल कोई और नहीं, मेरी ही प्यारी सी बेबी है एंजेलिना। एंजेलिना प्लीज कम से हाय, अच्छे से बोलो हाय। ट्विन फिल्म जर्नी के बारे में आपको कोई नॉलेज है? क्या नॉलेज है? ट्विन फ्लेम जर्नी एक अनकंडीशनल लव के बारे में होती है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें सखा कृष्णा के ऊपर छोड़ देना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। समर्पण क्योंकि वही हमारे मार्गदर्शक है। ओके, तो सखा कृष्ण हमारे मार्गदर्शन करते हैं। अच्छा, आप अपनी कहानी बताओ, सखा कृष्ण के और आपके कहानी। मैं जब छोटी थी तो मेरी मम्मी मुझे वृंदावन में। अच्छा, तो इनके बारे में एक बहुत अच्छी स्टोरी है। हम लोग वृंदावन गए थे, मेरी एक फ्रेंड ने ये पैदा होने से पहले ही इसके लिए मन्नत मांग ली थी सखा कृष्ण से। और जैसे ही ये जन्म ली, 5 महीने की थी इतनी सी, तो हम लोग क्या किए, वृंदावन गए दर्शन के लिए। तो हम लोग जा रहे थे तो साइकिल रिक्शा होते हैं वहाँ पे, छोटे छोटे गली है, तो एक रिक्शे में मैं और ये मेरे गोदी में, क्योंकि बहुत सारे मंकीज थे तो मम्मी ने बोल दिया था कि बच्ची को संभाल के रखना, मंकीज उठा ले सकते हैं, कुछ भी होता है। तो हम डरे हुए थे तो मैंने बोला ठीक है मैं इसको रखती हूँ अपने पास, तो मैं लेके जा रही हूँ। और दूसरे साइकिल रिक्शा में मेरी भाभी, उनके बच्चे, और एक साइकिल रिक्शा में मेरी फ्रेंड जो थी, जो गई थी साथ में, जिन्होंने मन्नत मांगा था बेसिकली बाघे बिहारी जी से, तो वो हम सब जा रहे थे। तो जैसे ही हम पहुंचे मंदिर के द्वार में, तो हम लोग उतरे रिक्शे में से, तो मैं इसे गोद में ऐसे लेके उतरी। जैसे ही उतरी, खड़ी हुई, तो अचानक देख रही हूँ पंखुड़ी गिर रहे, पुष्प वृष्टि हो रहे। मैंने बोला क्या हो रहा है, तो मैं ऊपर देख रही हूँ तो कमल के फूल पंखुड़ी हमारे ऊपर बारिश हो रही है, और कर कौन रहे, हनुमान जी। हम सब आश्चर्यचकित हो गए, सब लोग देखने लगे कि इनके ऊपर पुष्प वृष्टि हुई। तो फिर जो फ्लावर बेच रही थी वो लेडी बोले जैसे आप आने लगे, दूर से आप दोनों को देखा और फिर ये चले गए ऊपर, कोमल के फ्लावर लेके ऊपर चले गए और जाके आपके ऊपर बरसाए। तो हमने बोला ये क्या चमत्कार था, अच्छा लगा। फिर हम अंदर गए, और अंदर जाने के बाद इसको वहाँ के जो पुजारी होते हैं ना, तो ऐसे कैच करके ले लिए दूर में, जैसे आप जो भी वृंदावन गए हो पता है, तो इसको क्या किया ऐसे करके ले लिए, और जो असली प्रतिमा है कान्हा जी के, जो असली मूर्ति है, वहाँ के पास इसको लेके गए। तो मैं ऐसे झांक के देख रही थी कि ये कर क्या रही है। जैसे इसको लेके गए, इसने क्या किया, कान्हा जी को पकड़ ली दोनों हाथ से, और फिर कान्हा जी के फ्लावर गले का इसको पहना दिया गया। मैंने बोला वाह, शादी हो गई मेरी बेटी की कान्हा जी से। तो उसके बाद फिर वापस आए, और उस दिन के फोटोग्राफ्स जो भी हमने खींचे थे इतनी प्यारी लग रही थी। 5 मंथ्स की थी, और मतलब व्हाइट कलर की धोती कुर्ता इसको पहनाया गया था, बहुत ही दिव्य लग रही थी। जितने भी फोटो खींचे थे, दूसरे दिन मैं मेरी फ्रेंड को बोल रही थी उसके सारे फोटो मुझे भेज, उसने बोला हाँ तुम भी मुझे भेजो। तो हमने देखे हमारे मोबाइल से एक भी फोटो नहीं है, सारे डिलीट हो चुके थे, ना उसने किया था ना मैंने किया था। मैंने बोला अच्छा, क्योंकि तब भी पता नहीं था ना ये एंजल्स और डिवाइन और ये सब कुछ, लेकिन इतना एहसास था कि हाँ कोई तो श्री राधे आ चुकी है। तो इसके गुण वैसे ही है, हरकत वैसे ही है। मेडिटेशन से तुम्हारे क्या क्या फायदे हुए? हमारा जो एग्जाम था वो फर्स्ट टर्म का, इसमें मैं पढ़ रही थी, वो हमारा सबसे हार्ड था, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में ना वो हमारे लिए सबसे हार्ड था। मैं समझ में नहीं आया मैम का, मैम ने जो बोला लास्ट में रिवाइज कर रही थी, तब मेरी मम्मी ने बोला आप मेडिटेशन कर लेते, तो मैं बोल रही थी नहीं अब मेडिटेशन मैं नहीं कर सकती, मैं तो बहुत पढ़ाई है, मुझे पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज कर लेती हूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मेरी मम्मी ने पहले मेडिटेशन कर लो, तो वो मेडिटेशन कराया, दुर्गा मेडिटेशन कराया। तो मेडिटेशन के बाद मैं देख रही हूँ कि 11 मिनट चले गए अब, तो मुझे लग रहा है ये बाप रे बाप, मैंने 11 मिनट वेस्ट कर दिया, मतलब कितना सारा पढ़ सकती थी। फिर मैं जब एग्जाम हॉल में गई, मुझे लाइक लिख लिया सब, मुझे फिर भी डर लग रहा था पता नहीं क्यों। फिर जब रिजल्ट आया तो मैं हाईएस्ट थी कंप्यूटर में। जब टोटल हुआ तब
मैं हाई स्कूल 82-84 हाँ, तो मतलब तुम्हारे लिए क्या था एक्सपीरियंस बताओ। अच्छा था क्योंकि मुझे तो फर्स्ट में बहुत डर लग रहा था, पर फिर मुझे जब मैंने लिखना सब स्टार्ट कर दिया तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था आएगा आ रहा है फिर होगा मुझे सब मेरे। तो मतलब तुम मेडिटेशन करने से तुम्हें मार्क्स में फर्क आया है? हाँ, मेरा मन शांत हो गया। शांत हो गया मेडिटेशन करने से? और कब से करती हो मेडिटेशन? मैं जब छोटी थी तब मेरी मम्मी के एक फ्रेंड ने मुझे बोला था कि ओम ओम करके बोल, तब मैंने बोला था, तो उनकी फ्रेंड भी जब चले गई मैं फिर भी बोल रही थी, तो मेरी मम्मी ने बोला कि मैं भी ट्राई करती हूँ क्या कर रही है। फिर जब मम्मी करने लगी फिर मम्मी को क्या दिखाई दिया वो कलर वलर, तो हम दोनों ने फिर से करने आएंगे, फिर हमें मुझे भी लग तभी आप 4 साल की थी, छोटी सी थी, हम लोगों हम नमः शिवाय चैंटिंग शुरू किए थे, है ना? और आप अभी पहले तो पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन लास्ट ईयर से टॉपर हो गई। तो लास्ट ईयर से आपने क्या किया? एक्चुअली मुझे कंसेंट्रेशन मेरा ज्यादा बढ़ गया और मुझे अच्छे से याद आने लगा, क्योंकि मैं जब छोटी थी ना मैं जब पढ़ते तो जाती थी एग्जाम हॉल में बैठती थी, फिर मुझे लगता था कि यार कि अब क्या करूँ, मैं सब भूल गई ऐसा लगता था, इसलिए मुझे मैं पढ़ती थी पर मुझे डर लग जाता था और इतना डर कर देती थी कि मैं लिख ही नहीं पाती थी, आधा छोड़ देती थी और बाकी तो मेरा स्लो मोशन हो जाता था, शांति से नहीं होती थी इसलिए। फिर मेडिटेशन से क्या क्या फर्क पड़ा? फिर जब मेडिटेशन है वो मेरा मुझे मतलब समझ में आया कि एक क्वेश्चन पे मत बैठो, फटाफट करते रहो, और फिर मैं कंसंट्रेशन बढ़ गया और फिर मुझे सब याद आने लगा अच्छे से, क्योंकि मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा तो बाकी स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? बाकी स्टूडेंट के लिए मैं यही मैसेज करूँगी कि आप जब भी कुछ आपको टफ लगेगा तो आप मेडिटेशन कर लिए है तो फिर आपका कंसेंट्रेशन और फोकस ज्यादा हो जाएगा और इससे आपका पढ़ाई भी ज्यादा अच्छी होगी। कौन सी मेडिटेशन करनी चाहिए? दीर्घा मेडिटेशन जैसे हो गया, शिवानी सिस्टर का भी मेडिटेशन अच्छा है, बहुत सारे मेडिटेशन है जो अच्छे अच्छे है, आप कोई भी मेडिटेशन कर सकते हो, पर डेली एटलीस्ट 15 मिनट्स अपने आप के लिए टाइम निकालना जरूरी है। ओके फाइन। और ट्विन फिल्म जर्नी के बारे में कुछ सजेशन देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? ट्विन फिल्म जर्नी बहुत अच्छी एक प्योर जर्नी होती है जो हमारे पाथ होती है, वे ऑफ हेवन का पाथ होती है, नहीं तो हम लोग अगर इधर ये जर्नी ना कंप्लीट करें तो फिर हम लोग इधर धरती पर फंस जाएंगे। जर्नी आप अगर कंप्लीट कर ले तो हमारा एक्चुअल होम हम लोग उधर जा पाएंगे, तो अच्छे से आप इनर वर्क सब करें, इससे बहुत अच्छा होगा। आप इनर वर्क मतलब हो सकता है कि जैसे पेंटिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है, क्रिएटिविटी, जस्ट क्रिएटिविटी करने से ही अच्छा हो जाएगा आपका इनर वर्क, डांस, सिंगिंग, जो भी आपको आता है अच्छे से गुण आपका, तो वो करने से आपका आ जाता है। मेरा जैसे मैं ड्राइंग करती हूँ और डांस करती हूँ, बस यही है मेरा। ओके, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ आए और दर्शकों को बहुत अच्छी अच्छी बातें, स्टूडेंट्स को भी सजेशन दिया, आपका बहुत बहुत थैंक्स, और आप सबको भी धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय।